अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए वैदिक मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन ट्रिक्स लेकर आया हूं, जिसको आप विद इन 5 सेकंड के अंदर तमाम निकाल लेंगे। तो देखिए, यहां पे पहला सवाल हमारे पास दिया हुआ है कि ऊपर भी सेम रूट दिया हुआ है, नीचे भी सेम रूट दिया हुआ, बट क्या डिफरेंस है? साइन डिफरेंस है, मतलब साइन अल्टरनेट साइन है हमारे पास। तो ऐसे सवाल को किस तरीके से करेंगे, देखें यहाँ पे, जब भी सेम रूट दिया हुआ हो ऊपर न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी और साइन डिफरेंस हो, तो क्या करना है हमें, देखें 9 और 5 इन दोनों नंबर को क्या कर दिए, ऐड कर दिए, तो मतलब 9 और 5 होगा 14, 14 का हाफ कर देना हमें, तो 14 का हाफ होगा हमारे पास 7, ठीक है। अब ऊपर देखे साइन कौन सा लगा हुआ, पॉजिटिव, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव लगा देंगे और फिर से रूट लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। रूट लगाने के बाद क्या करना है हमें, इन दोनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 5 जो होगा हमारे पास 45, और यही आपका क्या हो गया, जवाब। अब इसी तरीके से इसे भी करते हैं, देखें यहाँ पे ऊपर भी सेम रूट है, नीचे भी सेम रूट है, साइन अल्टरनेट है, तो क्या करेंगे हम, इन दोनों नंबरों को आपस में ऐड कर दीजिए, तो 11 और 5 कितना होगा हमारे पास, 16, 16 का आधा कितना होता है हमारे पास, 8 होता है, तो 8 हमने लिख लेना है, और ऊपर जो साइन दिया हुआ होगा आपने ऐसे एज इट इज उतार देना है, और फिर से रूट लगा देना आपने, और इन दोनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो 11 5 जो होगा 55, और यही आपका क्या हो जाएगा, जवाब। अब इसी तरीके से सम निकाल लें, फिर उसका रूट ले लें, तो आप लोग इससे काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो मैं आज आप लोगों को 5 सेकंड के अंदर निकालने की ट्रिक सिखाऊंगा। देखें यहाँ पे, देखिए जब सीरीज कंसेक्यूटिव सीरीज चल रही हो नंबरों की, तो आपने क्या करना है, लास्ट वाला जो नंबर होगा उसका नेक्स्ट नंबर से आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो 6 7 होगा हमारे पास 42, ठीक है। अब इसी 42 का आपने हाफ लिख लेना है, मतलब हाफ कर देना है, तो 21 होगा, और यही आपका जवाब हो जाएगा। अब इसी तरीके से देखें, लास्ट वाला नंबर हमारे का 11 है, तो 11 को 12 से मल्टीप्लाई कर देना आपने, तो 132 होगा, ठीक है। अब 132 का आपने हाफ करके लिख देना, तो 66 आपका हो जाएगा जवाब। अब जब भी हमारे पास इस तरीके का सवाल आ जाए, तो इसे कैसे करेंगे, देखें बेस सारे का सेम हो और पावर भी सेम हो, तो इसको कैसे करेंगे, देखें यहाँ पे बेस सेम है, पावर भी सेम है, तो हम इसको 4 की पावर 30 एज इट इज उतार लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इन सबों में से 4 30 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि 4 बार 4 था ना, हमने कॉमन ले लिया, तो सब जगह 1 हमने ऐसे लिख लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, 430 एज इट इज उतार देना है, अब इन चारों नंबर को ऐड कर देना आपने, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 तो होगा 4। अब देखें बेस सेम है और पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो 4, यहाँ पे पावर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे होगा 1, ठीक है। अब 30 प्लस 1 तो 31, और यही आपका क्या हो गया, जवाब, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, तब तक इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।